हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैं ये केबल पैटर्न लेकर आई हूँ, बहुत प्यारा सा, कुछ अलग हटकर ये केबल पैटर्न है। इस पैटर्न को आप लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में और जेंट्स स्वेटर में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप अगर सेट करेंगी तो बहुत प्यारा लुक आएगा। इस पैटर्न को मैंने दो पैटर्न को कंबाइन करके बनाया है। ये तीन फंदों पर बना हुआ ये पैटर्न है और ये वाला केबल नौ फंदों पर बनाया गया है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, 16 प्लस 16 करके प्लस 7 फंदा एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए। और 16 सिलाइयों में ही ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये 16 रो रिपीट पैटर्न है। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है और राइट साइड से इस तरह का। तो चलिए, आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मॉम्स नीटिंग एंड स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए डिज़ाइन के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। चलिए, हम इस पैटर्न को बनाना आज सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 फंदे डाले हैं और प्लस 7 फंदा एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए। तो टोटल हो गए मेरे पास 23 फंदे जिन पे हम पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न की पहली लाइन राइट साइड की होगी। अब हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो हमारी राइट साइड की होगी। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, ऊन पीछे, तीन सीधे फंदे, दो तीन, दो उल्टे फंदे, एक बार फिर नौ सीधे फंदे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, दो उल्टे फंदे, वन टू, तीन सीधे फंदे, वन टू थ्री, और ये दो उल्टे फंदे। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है। सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनकर हम पूरा कर लेते हैं। तीन उल्टे फंदे, फिर दो सीधे फंदे हैं, नौ उल्टे फंदे, दो सीधे फंदे, एक बार फिर तीन उल्टे फंदे, और ये लास्ट में दो सीधे फंदे। ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। ये दो लाइन हमारी बेस की थी, इसे हमने रिपीट नहीं करना है। ये हमने सिर्फ एक बार शुरू में बुनना है और पैटर्न अब हम बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट रो हमारी राइट साइड की होगी, दो लाइन बेस की बुनने के बाद। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और दूसरा फंदा उल्टा, ऊन पीछे। यहाँ पर हमारे पास तीन सीधे फंदे हैं, पहले फंदे को हम स्किप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा भी सीधा। पहले फंदे को हम इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, एक फंदा कम हो गया है हमारे पास, दो उल्टे फंदे, नौ सीधे फंदे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एक बार फिर दो उल्टे फंदे, उन पीछे,
तीन सीधे फंदों को सेम जैसे यहाँ पर हमने बुना था वैसे ही यहाँ पर भी बुनेंगे। पहले फंदे को स्किप करेंगे, दो फंदे सीधे और पहले फंदे को इस तरह से गिरा देंगे, एक फंदा कम हो गया, दो उल्टे फंदे। ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो थी। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है, दो सीधे फंदे उन आगे, ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, पहला फंदा उल्टा, एक बार उन लपेट कर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसे भी उल्टा बुन लेंगे। तीन के तीन फंदे हो गए हमारे पास, दो सीधे फंदे, नौ उल्टे फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार फिर दो सीधे फंदे, दो उल्टे फंदे हैं, यहाँ पर एक फंदा हमने पिछली लाइन में कम कर दिया था तो उसे हम बढ़ा लेंगे, एक उल्टा लपेट कर एक एक्स्ट्रा फंदा और एक उल्टा, दो फंदे सीधे। ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो एक बार फिर से हमारी राइट साइड की है। देखिए थर्ड रो में हमें कैसे बुनाई करनी है। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा और उल्टा, तीन सीधा, 1, 2 और ये 3, दो उल्टा, नौ फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दो उल्टे फंदे, तीन सीधे फंदे, 1, 2 एंड 3 और ये दो उल्टे। ये थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है, सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए पूरा कर लेते हैं। फिफ्थ रो हमारी राइट साइड की है, पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और दूसरा फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे हैं हमारे पास उन पीछे, पहला फंदा स्किप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा और तीसरा फंदा भी सीधा, और पहले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, दो फंदे उल्टे, ये नौ फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दो फंदे उल्टे उन पीछे, पहला फंदा स्किप करेंगे, दो फंदे सीधे, दो उल्टा। सिक्स्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है, सीधे फंदे को सीधे और उल्टे फंदे को उल्टा बुनकर पूरा करेंगे। सेवेंथ रो हमारी राइट साइड की है, पहले फंदे को हम स्किप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। यहाँ पर हमारे पास 9 सीधे फंदे हैं जिनमें हम केबल बनाएंगे, 6 और 3 का राइट ट्विस्ट करेंगे, 3 फंदे इस तरह से। देखिए ये 3 फंदे हम दाहिनी सिलाई पर डालकर और 6 फंदों को पीछे की तरफ से पीछे करेंगे ऐसे इस तरह से। अब हम सभी 9 स्टिचेस को बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए 2 उल्टा, 3 सीधा,
और ये दो फंदे उल्टे। ये हमारी सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई। एट्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। देखिए एट्थ रो हमें कैसे बुनना है। पहले फंदे को हम स्किप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे और ये तीसरा फंदा भी उल्टा, दो सीधा। यहाँ पर हमारे पास नौ उल्टे फंदे हैं, जिनमें से हम शुरू के छह फंदे ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट, उन पीछे एक दो तीन, इन तीन फंदों को हम बाई सिलाई पर डाल लेंगे। एक दो और ये तीन, इस तरह से लेफ्ट हमने ट्विस्ट कर लिया। अब हम सभी नौ फंदों को बुन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दो फंदे सीधे और ये तीन फंदे उल्टे, टू एंड ये थ्री, दो सीधा। ये हमारी एट्थ रो कंप्लीट हो गई। नाइन्थ रो राइट साइड की है। पहला फंदा स्किप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे हैं, पहले फंदे को स्किप करेंगे, दो फंदे बुन लेंगे और फिर पहले वाले फंदे को दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, दो फंदे उल्टे, नौ फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, दो उल्टे फंदे और इन तीन फंदों में एक बार फिर से पैटर्न बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करेंगे और दो फंदे सीधे बुनकर पहले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, दो उल्टा। ये हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। टेंथ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। दो फंदे सीधे, एक उल्टा, एक एक्स्ट्रा फंदा, एक उल्टा, दो सीधा, नौ उल्टे फंदे, टू एंड थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, दो सीधे फंदे। दो फंदों के बीच एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और ये दो सीधे फंदे। ये हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। इलेवेंथ रो हमारी राइट साइड की है। पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, तीन सीधा, टू एंड थ्री, दो उल्टा, नौ फंदे सीधे, दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, दो उल्टा, तीन सीधा, फिर से दो उल्टा। ये हमारी इलेवेंथ रो थी कंप्लीट हो गई। ट्वेल्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। सिंपल तरीके से सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए पूरा करेंगे। थर्टीन्थ रो हमारी एक बार फिर राइट साइड की है। पहले फंदे को स्किप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, पहला तीन सीधे फंदों में से पहला फंदा स्किप करेंगे, दो फंदे सीधे,
पहले फंदे को दो फंदों के ऊपर से गिरा लेंगे, दो उल्टा, नौ फंदे सीधे, और ये नौ फंदे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदों में से पहला फंदा स्किप करेंगे, दो फंदा सीधा, इस तरह से फंदा गिरा लेंगे, दो उल्टा। ये हमारी 13th रो भी कंप्लीट हो गई। 14th रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा स्किप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा, दो उल्टे फंदों के बीच एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, दो सीधा, नौ उल्टा, टू एंड थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन, दो सीधे फंदे, दो उल्टे फंदों के बीच एक एक्स्ट्रा फंदा बनाते हुए बुनाई करेंगे, दो सीधा। 19th रो हमारी राइट साइड की है। यहाँ पर हमें एक बार फिर से केबल बनाना है। दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, दो उल्टे। यहाँ पर हमारे पास नौ सीधे फंदे हैं जिनमें हम केबल बनाएंगे। तीन फंदे स्किप करेंगे उन पीछे, इन छह फंदों में हम लिफ्ट केबल बनाएंगे। देखिए इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तीन तीन फंदों को। इन छह फंदों को हम बुन लेंगे। ध्यान रखिए इन तीन फंदों को हमने बुना नहीं है, स्किप किया है। इन छह फंदों को हम बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। छः फंदों को में हमें केबल बनाने के बाद अब इन तीन फंदों को फिर से हमें इन छः फंदों के साथ ट्विस्ट करना है। इन तीन फंदों को हम पीछे कर लेंगे और इन छह फंदों को हम आगे ले आएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें डबल केबल बनाना पड़ा। ये छह फंदे हमने बुन रखे हैं तो इन छह फंदों को हम फिर से बुन लेंगे। दो, तीन। पहले हमने छह फंदों को ट्विस्ट किया, उसके बाद फिर छह फंदों को तीन फंदों के साथ, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, और एक बार फिर दो फंदे उल्टे। ये हमारी 15th रो कंप्लीट हो गई। 16th रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा स्किप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा, दो उल्टा, एक और उल्टा, तीन उल्टे फंदे, फिर से दो सीधे फंदे, नौ उल्टे फंदे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन, दो सीधे फंदे, तीन उल्टा, दो सीधा, ये देखिए ये हमने 16 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 6 और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। इस पैटर्न को जब आप और आगे बनाएंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए
तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।